बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। फ्रेंड मैं हूं सलीम, आप देख रहे हैं सलीम खान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपना टिकटॉक में जो वीडियो के साथ वीडियो बनाना चाहता है तो आप किस तरीके से ये वीडियो बना सकते हैं। अक्सर लोग इसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका पूरा तफसील बताता हूँ और बहुत सिंपल और आसान और सादा अल्फाजों में आपको समझाता हूँ कि आप किस तरीके से किसी दूसरी वीडियो के साथ अपना वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसको ड्यूट बोलते हैं, और आसानी से आप अपना वॉइस में उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका वॉइस आप उससे ख़त्म भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वीडियो, यहाँ पे मैंने तस्वीर लगाया है, लेकिन यहाँ पे आप अपना वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके साथ अपना वीडियो भी लगा सकते हैं और अपना तस्वीर भी लगा सकते हैं। और इस साइड पर जो है आप किसी का भी वीडियो आप और उसके वीडियो के साथ आप ये बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों को इसी तरह मालूमाती और ट्रिक का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह मालूमाती वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को देख कर बहुत सारा मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं टिकटॉक को जो है ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पर मैं टिकटॉक को ओपन करता हूँ। बहुत आसान तरीका है, आप थोड़ा सा गौर कर ले। तो ये टिकटॉक मैंने ओपन कर दिया और यहाँ से आप किसी जिस वीडियो के साथ आप एडिट करना चाहते हैं, यानी उसके साथ वीडियो बनाना चाहता है, तो क्या करना है, पहले उस वीडियो को उसको जो है आप यहाँ से वो वीडियो सर्च कर दे। तो ये आप देख सकते हैं मैं इस वीडियो के साथ वीडियो बना लेता हूँ, आप लोग भी देखें कि किस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे शेयर लिखा हुआ है, जो जिस वीडियो के साथ आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे स्क्रीन पे लेकर आएं और उसके बाद यहाँ शेयर पे क्लिक कर दें। जैसे ही शेयर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ड्यूट लिखा हुआ है ये, और इस पर आप क्लिक कर दें। कुछ ही सेकंड आप इंतजार कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका तस्वीर, यहाँ पे आपका तस्वीर आ रहा है वीडियो, और यहाँ पे वो वाला वीडियो जो आपने स्क्रीन पे लेकर आया है। उसके बाद आपको अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ से आप कैमरा घुमा भी सकते हैं, यानी कैमरा आपका बैक साइड पे भी जा सकते हैं और फ्रंट साइड पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा मैंने घुमा दिया। उसके बाद अगर आप इसके साथ तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इफेक्ट पर क्लिक कर दें। इफेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देख स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरों का निशान आपको नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दें और कुछ ही सेकंड आप इंतजार कर दें तो यहाँ पे आपका तस्वीर शो हो जाएगा। ये गैलरी में आपका जितना भी तस्वीर है वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो चले मैं इस तस्वीरों को जो है यहाँ से कोई ना कोई एक तस्वीर उठाता हूँ, तो ये तस्वीर मैं उठा लेता हूँ यहाँ से और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो आप देख सकते हैं कि ये वो तस्वीर यहाँ पे आ गया। अगर आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप तस्वीर लगाने का आपको ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अगर आप तस्वीर लगाना चाहते हैं तो तस्वीर भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये म्यूट है, इसको आप छेड़ना नहीं, इसको इसी तरह बंद रखें। लेआउट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये तस्वीर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया। अगर नहीं दूसरी आपको लगाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इस पे आप क्लिक कर दें साथ वाले में, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह लेफ्ट साइड पर छोटा सा वीडियो लगाना है तो छोटा सा भी यहाँ पर चलेगा। लेकिन चलो मैं ये जो है इसको इसी तरह रहने दूं, इसको भी आप फिर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये आप देख सकते हैं ये छोटा सा स्विच बता रहा है, तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके तो ये लेफ्ट राइट साइड पे भी हो जाता है। तो मैं इसको इसी तरह छोड़ देता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से हम रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो वीडियो हमारा रिकॉर्ड हो गया। अभी
अगर आप इसके साथ अपना वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटा सा तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दें और यहाँ पे ये वॉइस जो है मैक है ये आपको नज़र आएगा, इस पे आप क्लिक कर दें और यहाँ से आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप वॉइस रिकॉर्ड कर दें। मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये अभी वीडियो भी चल रहा है और साथ में हमारा वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, जितना भी वीडियो है वो आपका वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है यहाँ पे। तो अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे आपके सामने ये रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो उसका भी वॉइस है इसमें और ये भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दोनों वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो फिर उसका अगर ख़त्म चेक करना चाहता है तो उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये यहाँ से रिकॉर्ड हो गया, अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ से। अगर वॉइस आपको कोई अच्छा नहीं लगा तो यहाँ से आप दोबारा भी क्लिक करके दोबारा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं इसको चेक करता हूँ। अभी वीडियो भी चल रहा है और साथ में हमारा वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, जितना भी वीडियो है वो आपका वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है यहाँ पे। तो अभी आप देख लिया कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो गया। अभी हम सेव पे क्लिक करते हैं। अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे आपके सामने ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसका भी वॉइस है इसमें और ये भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दोनों वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड अभी हो रहे हैं। उसका वॉइस अगर जो है इसको आपको चेक मैं करना चाहता है तो उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपसे। तो ये अभी उसका वॉइस जो है वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इसका वॉइस जो है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे छोटा सा तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दे और ये माइक का नीचे जो है यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये आपको बता रहा है कि आप इसका ओरिजिनल साउंड ये है और ये आपका साउंड है। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से इसको, साउंड कौन सा मेरे लगा हुआ है, ये मेरा साउंड लगा हुआ है। अभी उसका वीडियो साउंड भी जो चल है रहा है अगर और आप साथ खत्म में करना हमारा चाहता है वॉइस तो भी रिकॉर्ड इसको हो रहा है। ये आप देख मैं सकते हैं, उसको जितना भी बंद कर वीडियो लेता है वो हूं। आपका वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा जाता है यहाँ पे। ये आप अभी आप अभी चेक अब कर देख सकते हैं, सकते हैं अभी आपके कि सामने ये मेरे रिकॉर्ड हो वॉइस रहा जो है। है रिकॉर्ड हो गया और उसका वॉइस जो है वो बंद हो गया यहाँ से। ये इस वीडियो का वॉइस है और ये मेरा वॉइस है ओरिजिनल ये है। उसके बाद ये जब इस तरह आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दे डन पे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लें, मैं लिख सलीम खान मैंने लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे पॉज पे क्लिक करते हैं। तो वीडियो हमारा यहाँ पे पोस्ट होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल हो गया और ये मेरे वीडियो आ गया। अभी मैं अपने आईडी पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे टिकटॉक का आईडी है और उसके बाद यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, ये वीडियो है इसको मैं चला लेता हूँ थोड़ा। ये आप देख सकते हैं ये मेरे जो है और यहाँ से वॉइस पे है लेकिन वॉइस मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया क्योंकि फिर मेरे आवाज़ आपको नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया। तो इसी तरह जो है आप कोई भी वीडियो किसी वीडियो के साथ भी आप अपना वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपना टिकटॉक में अपलोड कर सकते हैं, किसी और वेबसाइट में भी आप अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे मुझसे रابطہ कर सकते हैं।